वन प्लस फोन भारत में जितना लोगों को पसंद आता है उससे ज्यादा कंपनी ने रिकॉर्ड बनाए हैं। जी हाँ, अब एक और वन प्लस को लेकर खबर आ रही है कि वन प्लस ने एक बहुत अच्छा यानी कि मिसाल कायम कर दिया। तो चलिए कराते हैं आपको इस खबर से रूबरू। वन प्लस ने भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट मार्केट में एप्पल और सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है और भारत की नंबर वन कंपनी बन गई है। वन प्लस प्रीमियम सेगमेंट में नंबर वन कंपनी बनी है। तो वहीं IDC की रिपोर्ट में सामने आया है जिसमें यह खुलासा हुआ है, इसमें 29,000 रुपये के ऊपर के फ़ोन शामिल हैं। साल 2018 और 19 के सेकंड क्वार्टर में वन प्लस ने सबसे ज़्यादा शिपमेंट किए। IDC की ओर से कहा गया है कि अपने मोबाइल फ़ोन प्रमोशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होने की वजह से वन प्लस पहले नंबर पर बन गया है। वहीं iPhone XS और iPhone XS Max लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में नाकामयाब रहा। बता दें कि अगर पूरे भारतीय स्मार्टफोन मार्केट की बात की जाए तो इसमें एक साल के दौरान 9.1% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं चीनी स्मार्टफोन मेकर Xiaomi ने सबसे ज्यादा यानी कि 11.7 मिलियन यूनिट्स को बेचा, जिससे Redmi 5 और Redmi Note 5 Pro शामिल रहे। नेक्स्ट 9 टेक के लिए राशिद अली की रिपोर्ट।